हाँ तो गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल रियल टॉक क्लिप्स। रियल टॉक क्लिप्स है और तो ये हमारा पहला पर्सनल पॉडकास्ट है जिसमें सिर्फ हम तीनों हैं, और ये अक्सर आपको रेगुलरली इस चैनल पे मिलता रहेगा। हम तीनों यहाँ पे अखंड बकचोदी करते रहेंगे। तो गाइस इस और सेंसिबल बातें भी होंगी। हाँ, सारी तरह की बात होगी। चलो तो गाइस, इस पॉडकास्ट का जो थीम है जिस पे हम मुद्दे पे बात करेंगे, वो भी एक वन ऑफ द बकचोद टॉपिक है कि व्हाट इफ। लेकिन ये चीज रखना है कि अगर मान ले व्हाट इफ हम कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट इफ हम क्वेश्चन पुट करने वाले हैं अगले बंदे से, तो उसका आंसर तीनों लोग देंगे, लेकिन सच बोलना है। सच बोलेंगे, सच बोलना है, सच बोलना है। पर अगर कोई बंदा सच बोल रहा है और तुम कहो यार ये तो झूठ था, नहीं ऐसा करेंगे ना, ऐसा करेंगे कि वोट ले लेंगे, कुछ बोला तो वोटिंग हो जाएगी कि भाई तुझे क्या लग रहा है, तुझे क्या लग रहा है, फिर मेजॉरिटी विंस वाली बात हो जाएगी। हां कि हां चल ये सही बोल, ये सही कह रहा है ना, मतलब ये बिलीव होना चाहिए कि अगला बंदा सच कह रहा है। हां तो मतलब कहने का मतलब तूने कुछ बोला, ठीक है, मुझे लग रहा है कि वो सच नहीं है, इसको भी लग रहा है सच नहीं है, तो वो सच नहीं काउंट होगा फिर। मतलब मैंने कुछ बोला, जैसे व्हाट इफ तू 10 मिनट में मरने वाला है, तो उससे पहले तू क्या करेगा? नहीं तो, भाई मैं नहीं मरने तो वाला 10 मिनट में। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से। ओवर एक्टिंग करनी जरूरी है जब मैं रूल समझा रहा हूँ जनता को? तो क्या हो गया, कर लो ओवर एक्टिंग। ये तो नेचुरली अनफनी चीज करी आपने। तो तीनों लोग इसके आंसर देंगे जो भी, और जैसे दीपक ने आपको बताया, सच लग रहा है तो सच बताएंगे बाकी दो लोग, और नहीं लग रहा है तो नहीं बताएंगे। तो पहली सिचुएशन कौन पुट अप करना चाहेगा? अभी तो मैं सोच रहा हूँ, तो आप ही कर लो, अगर आपके जिसके माइंड में आ गई है वो कर लो। आ गई ये, बट आई एम नॉट श्योर कि वो इतनी। हाँ, तो क्या हो गया मेरे भाई, एंटरटेनिंग इनफ है यार? तो कोई बात नहीं, एंटरटेनिंग नहीं है तो क्या हो? दूसरी से दूसरा क्वेश्चन जो पूछोगे क्या बता वो ज्यादा हो, तो पहला नॉर्मल हो तो चलेगा। चल पहला क्वेश्चन यार, जैसे मुझे लग रहा थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, प्रॉब्ली कंट्रोवर्शियल हो सकता है। ओ माय गॉड, आप तो पहले पॉडकास्ट को आखिरी पॉडकास्ट बना के मानोगे? आप नहीं चाहते कि ये चीज आगे तक चले? मैं माता चोलूं जो इसमें आया, मतलब मैं चाहता हूँ कि कंटेंट आए। ठीक है, ओके। अगर तो ये इसका जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, हम तीनों आंसर करेंगे उसका। अगर आपकी एक्स वापस आ जाती है तो आप क्या करोगे और क्यों? सही 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 लग रहा है तुम्हें? कैसा क्वेश्चन, कैसा लग रहा है? हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं है। ये तो बहुत तगड़ा कंटेंट ले लोगे आप हम सबसे। भाई इसका आंसर मैं भी दूंगा, ऑब्वियसली बात है, तो कोई लोड नहीं है आपको। आप देने लायक सिचुएशन में हो ना बहुत ज्यादा। अच्छा ऐसा है क्या? आप तो आप भी तो सिचुएशन में हो। नहीं, मेरा थोड़ा अलग है। पहले आपसे शुरू करते हैं। चलो मेरे से क्यों शुरू करना? चलो दीपक दिल्ली, आप जिससे पूछोगे वो शुरू। हाँ, तो आप पूछ लो। आप बोल सकते हो कि हाँ आप पहले आंसर दो। चलो मैं पहले आपको देता हूँ। देखो अगर मेरी एक्स वापस आएगी। मुझे पता नहीं क्यों पहली हंसी आ रही है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि सब ठीक हो जाएगा। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। क्योंकि मैं जैसा इंसान हूँ, मैं ऐसे इंसान को ही डेट करता हूँ जो अच्छा इंसान हो, और अगर कुछ ब्रेकअप वगैरह होता है तो उसके कुछ अलग रीजन वगैरह होते हैं। तो अगर वापसी हो रही है तो ऑब्वियसली वो रीजन सॉर्ट आउट होंगे, और अगर वो होंगे तो फिर मतलब वापस सब तू सही है कि वो अगर उसकी तरफ से कुछ भी टेक्स्ट या कॉल आ गया तो सीन सॉर्ट हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट या कॉल आ गया तो सीन सॉर्ट हो जाएगा। हाँ, मतलब अगर ऐसा होगा कि उसका भी इंटेंशन है वापस आने का और मेरा भी बन गया तो बन सकता है, मतलब मेरा नहीं भी है तो भी बन सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं फॉल बैक कर जाऊंगा, फंस जाऊंगा ट्रैप में। मतलब ट्रैप कह लो, जबरदस्ती आ जाओगे? मतलब जबरदस्ती नहीं आऊंगा यार, क्योंकि अगर एक्स बनी है तो कभी ना कभी फीलिंग्स रही होंगी, और इंसान अच्छा होगा तो मैं कंसिडर कर सकता हूँ वापस आना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, और फेयर इनफ। अच्छा आंसर दिया, सही आंसर दिया। आप बताओ। ये फंस गया। अच्छा मेरे पास क्या, ये एक ही ऑप्शन है? ये एक ही ऑप्शन है? मतलब
आई हैव ऑप्शन टू मूव ऑन ऑल्सो ना. हाँ हाँ ऑफ कोर्स है ना. अगर मतलब बोल सकता है कि एक्स वापस आए. नहीं ये मूव ऑन क्वेश्चन से कह रहा है. क्वेश्चन स्किप करने के लिए कह रहा है. नहीं नहीं मैं स्किप करने के लिए नहीं कह रहा भाई. जो मेरे क्वेश्चन है उसका आंसर दो. क्लियर है कि एक्स वापस आ गई तो क्या करोगे. तो आप क्या में कुछ भी कर सकते हो. एंड क्यू एंड क्यू और मतलब प्रोवाइडेड यू हैव टू बी ऑनेस्ट. हाँ वो तो है ही भाई. तो अगर एक्स वापस आती है तो मैं वापस नहीं जाऊंगा. मैं और एक्सप्लोर करना चाहूंगा कि मेरे पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं. मूव ऑन करना चाहूंगा. तो क्योंकि मेरे हिसाब से अगर मेरा ब्रेकअप हुआ है तो ऑब्वियसली वो अच्छे नोट पे मतलब मैं ये लेके चल रहा हूँ नहीं हुआ होगा. तो मैं नहीं आऊँगा वापस. और अच्छे नोट पे एंड नहीं हुआ तो बंदी टॉक्सिक है या बंदी मतलब मतलब किसी भी तरह सही नहीं है. प्रेशराइज करती है या कुछ करती है या फैमिली के लिए ठीक नहीं. कोई भी रीज़न हो सकता है. तो इनमें से कोई भी रीज़न होगा हो सकता है तो मैं वापस नहीं जाना चाहूँगा. ऑनेस्ट ऑनेस्ट इनफ. ओह माय गॉड वाओ. ठीक है तो आपका क्या होगा आप बताइए. मेरा भी यही है फंडा कि मैं वापस नहीं जाऊंगा. अच्छा मतलब कोई सीन ही नहीं है जस्ट बिकॉज़ शी वाज. और अगर वो गूदा लगा दे कि भाई गूदा एज इन कि पीछे ही पड़ जाए कि पढ़ने दो पढ़ने दो मुझे यार आना ही है रहना ही है तुम्हारे साथ वरना नस काट लूंगी. काट लो झट बाकी छोड़ मतलब आप नहीं जाओगे. नो चांस. कोई चांस ही नहीं. रीज़न बींग कि मैं इसलिए नहीं जाऊँगा बिकॉज मुझे पता है अगर मैं उसके साथ हूँ तो मैं उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में आ जाऊँगा जो मैं चाहते नहीं. तो तुम एंड अप करोगे बींग अनहैप्पी जो मैं चाहता नहीं. तो दैट इज़ व्हाई मतलब टॉक्सिसिटी वगैरह की वजह से आप. हाँ हाँ ये तो नहीं जाओ. टॉक्सिसिटी. ओह माय गॉड इंग्लिश. कुछ होता है वैसे ये. पता नहीं होता होगा. तूने इतने कॉन्फिडेंस से बोला है तो होता ही होगा. तो ठीक है आप नहीं जाओगे मतलब. और कोई रीजन कि क्यों नहीं जाओगे. नहीं अब तुम बोलोगे तुम झूठ बोल दो. नहीं मैं तो बोल दूंगा सच तो यही है. एक तो जैसे ही हो गया कि टॉक्सिक. और कोई रीजन. यही एक रीजन मतलब वो टॉक्सिक हो गया था मुझे पता फिर से हो जाएगा तो आई वुड. पर अगर इसी सिचुएशन को उल्टा कर दे. मान लो कि पहले ब्रेकअप आपकी वजह से हुआ हो. सपोज आपको पता है कि आपकी वजह से हुआ हो और फिर वो आ गई कि नहीं दिल्ली मुझे तो तुम ही चाहिए हो. तो तब माइंड चेंज हो सकता है. मतलब ब्रेकअप इसने किया है. मतलब ब्रेकअप जैसे मान ले जो भी जिस वजह से ब्रेकअप हुआ कहीं ना कहीं इसकी गलती रही. इसे ये रियलाइज हो गया चाहे टॉक्सिक था या जो भी था पर अब इसे लग रहा है चल नहीं मतलब तब भी नहीं जाऊंगा. तूने बोला ना चाहे टॉक्सिक था. नहीं था या नहीं था पर तेरा हाथ था उसमें. अगर टॉक्सिक भी था तो तेरी वजह से था. मतलब तेरे को ये रियलाइज हुआ बाद में. अच्छा ब्रेकअप करने के बाद तूने ब्रेकअप कर लिया कि मुझे रहना ही नहीं इसके साथ. फिर तुझे लगा कि यार फिर उसका जैसे ऑफर आया कि यार दिल्ली करोगे क्या डेट फिर से. तो आपको लगा कि यार कि चल नहीं जाऊंगा मेरी गलती भी समझ गया मैं. नहीं जाऊंगा क्यों. तब भी नहीं जाओगे. नहीं जाऊंगा चाहे आपको लग भी रहा है. क्यों उसका रीजन. उसका रीजन ये है ब्रो कि अगर ब्रेकअप वैसे ये गेम का पार्ट नहीं है बट आई एम जस्ट आंसरिंग एनीवेज कि भाई मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज मुझे पता है कि वो टॉक्सिक बन जाएगा जैसा वो रिलेशनशिप. आप फिर से बना दोगे मतलब. हाँ अगर मैं रीजन मैं बना दूंगा. अगर मैं था तो मैं बना दूंगा तो बेसिकली वो उससे डील नहीं कर पाएगी तो वो टॉक्सिक बन गया ना. तो शी इज़ नॉट स्ट्रांग इनफ कि वो उससे डील कर ले टॉक्सिक ना बने. लेकिन वो बन जाएगा तो फिर मैं नहीं जाऊँगा. ये अगर जो आपने कंडीशन मतलब एक बार जहर चला गया तो दोबारा जाएगा. मतलब एक बार धागे पे गांठ पड़ गई. हाँ, ऐसा आ गया तो दोबारा धागा नया नहीं. हाँ, धागा टूट गया दोबारा बंधेगा नहीं. गांठ पड़ गई तो बात नहीं नहीं रह जाती. ठीक है फेयर इनफ. ओके ऑनेस्ट आंसर. ऑनेस्ट आंसर मेरे को लगता है सबसे इजी इसी के लिए था आंसर देना. और सबसे शेफ होड़ी बोला कॉम्प्लिकेट नहीं करा. आप जब था इजी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बोल रहे हो. आपके लिए इजी था यार. टॉक्सिक था इसलिए नहीं आना. बस बात खत्म.